मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में अपने गांव जैत पहुंचकर मतदान किया। सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान शिवराज के चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता मतदान के लिए अपने घरों से निकलकर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बुधनी स्थित अपने गांव जैत में मतदान करने के लिए पहुंचे। पत्नी साधना सिंह के साथ सीएम शिवराज ने पहले पूजा अर्चना की, फिर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड बनाया, आत्मसम्मान बढ़ाया, इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए जनता भाजपा को आशीर्वाद दे। साथ ही शिवराज ने आगे की प्राथमिकताएं भी बताई। जिसने बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों को लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। केवल तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब तक जो किया है जनता वो जानती है, आगे जो हमारी प्राथमिकताएँ हैं। बता दें कि शिवराज बुधनी से प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस के विक्रम मस्ताल मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बुधनी।